आज जो हम सीन शूट कर रहे हैं वो बेसिकली सीन है पूरे टशन से भरा हुआ, और आत्मसम्मान की लड़ाई मैं इसे मानती हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा जिद है, अकड़ है, या पता नहीं क्या है, लेकिन खुशबू के लिए ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। वो आत्मसम्मान जो अभी तक वो इस घर में ढूंढने की कोशिश कर रही थी और उसको वो नहीं मिल रहा था, अपने अंदर है लेकिन दूसरों की नज़र में उसको वो नहीं दिखाई दे रहा है अपने लिए, तो उस चीज को वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। और उसमें उस चरण में ये एक हम इस पायदान पे पहुंचे हैं जहां पर मुझे अब आउट ऑफ द बॉक्स आकर के अपनी बात को ऐसे रखना पड़ा है जैसे कि आपने देखा होगा सेट पे, विद फुल ऑफ अग्रेशन एंड ऑल। तो शायद वो पहली बार है जब घर वालों के सामने इस लेवल पे और इनके सामने, अदरवाइज इनकी आवाज आती है और सब चुप हो जाते हैं, बट फॉर अ चेंज ये चुप थे और मेरे अंदर इनकी आत्मा आ गई थी। देखिए, अब तो इनके पास लाइसेंस आ गया है, ठीक है। स्वाभाविक तौर पे इंसानी फितरत है, ये रिश्ते होते हैं दुनिया में, वास्तविक जीवन में भी होते हैं तो कल्पना में भी हैं। तो जो रिश्ता था वो किस कारण से किस रूप में एक्सेप्ट किया गया वो देवनारायण जानता है, पर खुशबू जी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको लाइसेंस मिल गया। अब उस लाइसेंस के तहत जो उनका अधिकार क्षेत्र है वहाँ अपना दमखम वो पूरा दिखा रही है, और ऐसी सिचुएशन में जब कई बार तकनीकी रूप से पति थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाता है तो पत्नियाँ सामने आके जैसे संभालती हैं, ठीक उसी रौद्र रूप को लेकर ये सामने आई हैं। बिकॉज अब तकनीकी रूप से देवनारायण फंस चुका है, तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा हंसनी के पास चला गया जो कि विवादित है, जहाँ ना वो रह सकती ना मैं रह सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो घर से निकालने का उनको हक तो है, लेकिन व्यक्तिगत बातों के आधार पर जो वो चढ़ाई किए बैठे हैं उस पे फिर इनका जवाब आ रहा है उनके बारे में। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कहानी है घर घर की, हमेशा अमूमन होता है जीवन में समाज में। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ क्योंकि जब बॉटम लाइन ये है कि बात मनवानी है तो फिर किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं खुशबू की बात करती हूँ तो वो तो किसी भी हद तक जा सकती है क्योंकि शय है ना, अब क्या है, अभी लाइसेंस है, जैसा कि इन्होंने बोला शादी हो चुकी है, मंगलसूत्र सिंदूर की पावर है और एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बहुत एक सुखद अनुभव था, उस लिहाज से हम कहना चाहेंगे कि हमारे शो को मेरे ख्याल से 4 अवार्ड मिले हैं, हंसनी का किरदार करने वाली कलाकार को, गो का किरदार करने वाली कलाकार को, और पूरे परिवार को श्रेष्ठ परिवार, और मेरे देवनारायण को भी एक, तो टोटल 4 पुरस्कार मिले हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। इतने कम समय में इस तरह की उपलब्धि पुराने शोज के बीच में, ये दर्शाता है कि ये सीरियल दर्शकों के बीच में मकबूल है, और जिस तरह का प्यार उन्होंने अभी तक दिया है और जिस तरह की ईमानदार कोशिश हमने की है आगे भी हम करते रहेंगे, और इस मोड़ तक पहुंचने के लिए जिनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है उनके हम दिल से शुक्रगुजार हैं। खासकर दंगल टीवी जिन्होंने ऐसे शो की परिकल्पना की और हम किरदारों को लेकर के इस कहानी को पिरोया और इस मोड़ तक पहुंचाया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर बट नेचुरल, स्पॉट बॉय से लेकर प्रोड्यूसर तक और साथी कलाकारों से लेकर राइटर तक जिनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं, सलाम करते हैं और आभारी हैं, और आप सबके तो आभारी हैं ही हैं क्योंकि आपकी बदौलत ही हम हैं। देखिए, मुझे लगता है ये तो वर्चस्व है फिर दंगल का, और क्योंकि उन्हीं के द्वारा इनवाइटेड थे वो सारे लोग और उनको बुलाया गया था। हमारा परिवार, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा कुनबा पहले से बड़ा हुआ है, ऑब्वियसली बतौर एक्टर हम लोगों को इसलिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि हर कोई जो भी अपने फील्ड का दिग्गज था वो हर इंसान वहाँ पर मौजूद था और उनके बीच में हम थे अपनी पहचान के साथ, जो हमने इतने कम समय में लोगों के बीच में और उस चैनल के जरिए बाकी पूरी दुनिया में बनाने की कोशिश की है। तो उन चीज़ों को लेकर के जाहिर तौर पर एक अच्छा, मैं कहूँगी कि मोटिवेशन तो मिला ही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप जिस रेगुलर सेट से निकल करके कहीं बाहर जाते हैं, स्पेशली जब कोई अवार्ड शो हो या आपके शो से आगे निकल के, जैसे वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई थी या बाहर के गेस्ट आए थे, तो जब आप उनसे मिलते हैं तो वहाँ से एक बूस्ट मिलता है जो आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस चीज़ के साथ हम लौटे हैं और आई गेस वो दिखाई भी देते हैं।